हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट. माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे पॉलिटी पढ़ने वाले हैं जो कि एम लक्ष्मीकांत की है. तो हमारी फंडामेंटल राइट की सीरीज़ चल रही है. हम लोग 6 फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक है ना, वो हम लोग देख चुके हैं. आज हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 33, और इसमें क्या क्या बातें सब कुछ देखेंगे. तो इसके साथ ही आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की भी लेक्शन स्टार्ट हो गई है, तो आप वो भी देख सकते हो. मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. साथ ही आप विजन आइज़ की भी करेंट अफेयर्स यहाँ पे देख सकते हो. मैगजीन्स जनवरी की अपलोड हो चुकी है, कुछ सेक्शन बाकी है, वो भी मैं जल्दी करा दूंगी. और यहाँ पे हमारी प्रलम्स 2019 के लिए सीरीज़ चल रही है. साथ ही आप मुझे अन अकेडमी में भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ जियोग्राफी और इकोनॉमिक से रिलेटेड मेरी सीरीज़ चलती है. ओके, सो आज के लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 33. आर्टिकल 33 में जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो आर्म्ड फोर्सेस को दिया गया है. ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 33 क्या कहता है कि पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो भी फंडामेंटल राइट आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को दिया गया है, पारा मिलिट्री फोर्सेस के मेंबर्स को दिया गया है, या फिर पुलिस फोर्सेस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, या फिर एनालॉगस फोर्सेस के मेंबर को दिया गया है. तो पार्लियामेंट जो है इन सारे फंडामेंटल राइट्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. लेकिन इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ये देखते हैं. तो इस आर्टिकल का और इस जो पावर दिया गया है पार्लियामेंट का, उसका ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी हमारे फोर्सेज है, आर्म्ड फोर्सेज है, वो अपनी सारी ड्यूटीज़ को एक प्रॉपर मैनेज प्रॉपर तरीके से वो डिस्चार्ज कर सके और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके. अगर कोई फंडामेंटल राइट्स ऐसा उनको प्रोवाइड किया जा रहा है जिनके थ्रू डिसिप्लिन जो है उनके अमंग में भंग हो रही है, उनके बीचों में डिसिप्लिन का जो है वो ख़त्म हो रही है, तो उन डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए पार्लियामेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है उन सारे फंडामेंटल राइट्स को. जो पावर है जिसके थ्रू जो है वो लॉ बना सकती है, वो आर्टिकल 33 के अंदर है. और ये सिर्फ कन्फर्ड किया गया है, किनको दिया गया है, तो ये सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है. आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कोई भी लॉ जो है वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है, ये सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है. इस पे क्वेश्चन बन जाती है, आप इसको ध्यान रखिएगा. कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है वो कहीं भी कोई भी कोर्ट में ना चैलेंज नहीं कर सकते. किस ग्राउंड ग्राउंड में, तो ये कॉन्ट्रावेंशंस जो आपका फंडामेंटल राइट को अगर कॉन्ट्राविक्ट कर रहा है, यानी आपका फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है, या आपका फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में कुछ बातें हो रही है, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है. अगर इसमें देखें तो पार्लियामेंट जो है वो इनैक्ट की है आर्मी एक्ट 1950 की, नेवी एक्ट 1950 की, आर्मी एयरफोर्स एक्ट 1950 की, और पुलिस फोर्सेस एक्ट 1966 की, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट. ये सारी जो आपको एक्ट दिख रही है, यानी लॉ दिख रही है, ये सारी पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है. ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है, जो उनको एक फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी वो अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, यानी वो उनके जो मेंबर है वो ट्रेड यूनियन में राइट है उनका, साथ ही साथ पॉलिटिकल एसोसिएशन में भी राइट है, साथ ही साथ उनको राइट है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रेस के साथ. तो अब अगर ऐसा लगता है कि आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा कोई भी ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो लीक हो सकती है, तो पार्लियामेंट जो है इस तरीके के आर्टिकल 33 के अंदर उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स जो है उनको राइट टू कम्युनिकेट विद जो प्रेस है ना, वो रोक दिया जाएगा. उसके बाद राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन, यानी पब्लिक मीटिंग में भी उनको जो आने की जो फ्रीडम है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर को ये मना कर दिया जाता है. तो जो एक्सप्रेशन है, यानी जो आर्म्ड फोर्सेज के जो मेंबर है ना, वो इस तरीके के एम्प्लॉयज़ को, यानी आर्म्ड फोर्सेज के एम्प्लॉयज़ को भी कवर करते हैं, जैसे बार्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, मैकेनिक्स, कुक्स और चौकीदार्स, ये सारे को भी एम्प्लॉयड करते हैं. पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो इनैक्ट करती है आर्टिकल 33 के अंदर, जो कि इस पे जो कोर्ट मार्शल है ना उसको एक्सक्लूड किया गया है, यानी जो भी ट्रिब्यूनल्स आपका मिलिट्री लॉ के अंडर इस्टेब्लिश होता है, तो जी रिट ज्यूरिस्डिक्शन से इसको एक्सक्लूड किया गया है दोनों तरफ से, इसे हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से. तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट का जो इन्फोर्समेंट किया जाता है, यानी आपका जो अगर फंडामेंटल राइट हनन हो जाता है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हो, तो ये भी कंसर्न किया गया है. यानी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 33 के अंदर जो लॉ बनाया है उसमें आपका मार्शल कोर्ट जो है उसको एक्सक्लूड किया गया है, बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जहाँ पे आपका रिट ज्यूरिस्डिक्शन होता है. ओके, तो ये सारी बातें रही आर्टिकल 33 में. यानी आर्टिकल 33 में आपके आर्म्ड फोर्सेज हो गए, पुलिस फोर्सेज हो गए, इन सारे के मेंबर को कुछ पावर से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, कुछ राइट से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, और वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है. ओके, अब देखते हैं मार्शल लॉ वर्सेज नेशनल इमरजेंसी. तो मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या अंतर है ये देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए. इसके बाद हम लोग देखेंगे
कि मार्शल लॉ है क्या, पहले आप मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि मार्शल लॉ जो है ये सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करेगा, और नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा कि आपका सिर्फ फंडामेंटल राइट ही अफेक्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ सेंटर स्टेट रिलेशन भी अफेक्ट हो जाता है, यहाँ पे रेवेन्यू की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और लेजिस्लेटिव पावर जो सेंटर और स्टेट के बीच में है वो भी अफेक्ट होती है, यहाँ पे कई बार जो है पार्लियामेंट की जो टेन्योर है ना उसको भी एक्सटेंड करना पड़ता है नेशनल इमरजेंसी के कारण। मार्शल लॉ में क्या है कि ये आपके गवर्नमेंट को सस्पेंड करता है और ऑर्डिनरी जो लॉ कोर्ट है ना उसको सस्पेंड करता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में आपका गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है और ऑर्डिनरी लॉ भी कंटिन्यू रहती है। मार्शल लॉ में आपका जो है जो लॉ की ब्रेक डाउन होती है ना उसको रीस्टोर करने के लिए इम्पोज़ किया जाता है। ओके, यानी कहीं पे आपका कानून टूट गई है या कानून के अगेंस्ट में कुछ काम हो रहा है, कानून जो है पूरी तरीके से फॉलो नहीं की जा रही है, तो उसको फिर से रीस्टोर करने के लिए मार्शल लॉ एक पर्टिकुलर प्लेस में आपका रीस्टोर करने के लिए इम्पोज़ किया जाता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो है ये सिर्फ इम्पोज़ किया जा सकता है थ्री ग्राउंड में, थ्री बेसिक रीज़न के कारण जो आपको याद रखना है। पहला तो वॉर, अगर युद्ध हो गया, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी कोई अगर दबाव आ गई, और तीसरा आर्म्ड रेबेलियन, यानी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके बीच में अगर कुछ हो जाता है, दंगा फसाद हो जाता है या लोगों में हो जाती है, तो आपका नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे लगेगा। ओके, मार्शल लॉ देखें तो ये इम्पोज़ होता है कुछ स्पेसिफिक एरिया में, कोई भी कंट्री के स्पेसिफिक एरिया में होता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी आपका होल कंट्री में भी हो सकता है और कंट्री के कोई पार्ट में भी हो सकता है। मार्शल लॉ जो है यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी मार्शल लॉ के बारे में ज़्यादा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के बारे में आपको स्पेसिफिक और डिटेल प्रोविजन्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये पांच डिफरेंस है जो आपको याद रखना है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आई होप कि आपको मार्शल लॉ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो आइए पूरा देखते हैं। आर्टिकल 34 में आपका मार्शल लॉ दिया गया है और मार्शल लॉ में आपका फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। तो आर्टिकल 34 जो है एक तरीके का रेस्ट्रिक्शंस है फिर से आपका फंडामेंटल राइट में, जब आपका अगर आप देखोगे मार्शल लॉ जो है अगर फोर्स में आ जाता है किसी भी एरिया में, अगर कंट्री के अंदर किसी भी एरिया में आपका मार्शल लॉ लग जाता है तो वहाँ पे आपका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ये कह सकता है और कोई भी पर्सन को ये कह सकता है कि कोई भी एक्ट को करने के लिए और कोई भी एक्ट को जो है ना वो लॉ इन्फोर्स करने के लिए, साथ ही वो उसको मेंटेन करने के लिए और जो भी ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको रीस्टोर करने के लिए उस एरिया में जहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है, जहाँ पे मार्शल लॉ लग चुका है। तो ऐसा पार्लियामेंट ऐसा गवर्नमेंट को कह सकती है, गवर्नमेंट सर्वेंट को कह सकती है। जो पार्लियामेंट है वो ऑल्सो वैलिडेट है किसी सेंटेंस पास करने में या पनिशमेंट देने के लिए। ओके, यानी पार्लियामेंट अगर ये देख रही है कि जहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है और लोग जो है उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं बल्कि और डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट जो है वहाँ पे आपको सेंटेंस पास कर सकती है, डेथ सेंटेंस भी दे सकती है या फिर हाईली आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। जो एक्ट है ना वो आपका पार्लियामेंट के द्वारा बनाना चाहिए और इसको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ओके, और साथ ही जो मार्शल लॉ का कंसेप्ट है ये इंडिया में कहाँ से बोरो किया गया है, तो इंग्लिश कॉमन लॉ से। ये आपको याद रखना है कि इंग्लिश कॉमन लॉ से हम लोग मार्शल एक्ट को, यहाँ पे मार्शल लॉ को बोरो किए। जो एक्सप्रेशन है मार्शल लॉ का वो कहीं भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी मीनिंग है मिलिट्री रूल। जो मिलिट्री रूल आप लोग सुनते हो ना मूवीज़ में और सीरियल्स में, तो वो मिलिट्री रूल जो है ना वो मार्शल लॉ है। यहाँ पे इसको रिफ़र करते एक तरीके का सिचुएशन जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिलिट्री अथॉरिटी के अंडर में रन होता है। जैसे हमारे स्टेट में गवर्नमेंट है, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये सारे जो है हमारे स्टेट को चलाती है, डिस्ट्रिक्ट को चलाती है। लेकिन जब एक स्टेट या एक कुछ एरिया जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चलाती है, वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, अगर उनके अलावा मिलिट्री अथॉरिटीज़ अगर उनको रूल करने लगे, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये मार्शल लॉ हो गया है। ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन हम लोग को मिलिट्री के दिए हुए रूल्स रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा कि मार्शल लॉ से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक और एक्सप्रेस जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे नहीं दी गई है। ओके, कि कैसे मार्शल लॉ को एग्जीक्यूट करना है और कब का मार्शल लॉ को डिक्लेयर करना है, लेकिन ये आर्टिकल 34 में ही ये इम्प्लिसिट है कि इसके अंदर आपका मार्शल लॉ जो है कैसे किसी एरिया में डिक्लेयर होगा। ओके, किस एरिया में डिक्लेयर होगा, हमारे टेरिटरी के अंदर ये डिक्लेयर होगा, बस यही मेंशन किया गया है कि हमारे इंडिया में मार्शल लॉ की डिक्लेरेशन का प्रोविज़न है। जो मार्शल लॉ है वो इम्पोज होता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि आपका वॉर हो गया, तो ये आपको नोट डाउन करना है कि मार्शल लॉ किस किस कंडीशन में हमारे कंट्री में इम्पोज हो सकती है। तो सबसे पहला है मार्शल लॉ,
सॉरी वॉर हो सकती है, उसके बाद इन्वेंशन, उसके बाद आपका इंसर्जेंशन, और उसके बाद रेबेलियन, राइट, और एक कोई भी वॉलेंट रेसिस्टेंस जो कि लॉ का है, यानी कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपके एरिया को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दे, जो आपका नॉर्मल दिनचर्या चल रहा है उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो उस सर्कमस्टांसेस में मार्शल लॉ लग सकता है। वॉर हो जाए या किसी कोई और जो है फॉरेन ट्रेवलर्स आपके स्टेट में आपके एरिया में इंटर कर जाए और आपके लाइफ को डिस्टर्ब करे, या फिर कोई राइट हो जाए, रेबिलियन हो जाए, जैसे कि दंगा हो जाता है, तो उस तरीके का दंगा उनका हो जाता है तो मार्शल लॉ इम्पोज़ हो जाता है। और जब तक मार्शल लॉ ऑपरेशन में है तो मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो है उनको दिया गया है कि वो एबनॉर्मल पावर, यानी वो सारे नेसेसरी स्टेट ले सकते हैं, जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, और वो रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज़ कर सकते हैं और सिविलियन के राइट्स पे रेगुलेशन भी इम्पोज़ कर सकते हैं। वो सिविलियन को पनिश भी कर सकते हैं और इवन उनको डेथ के लिए कंडेम भी कर सकते हैं। यानी मार्शल लॉ के तहत मिलिट्री रूल पूरी तरीके से पावर में आ जाती है और वो चाहे तो हमारे कोई भी राइट्स को वो सप्रेस कर सकती है, कोई भी राइट्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और हमें पनिश भी कर सकती है। अगर हम उनके लॉ एंड ऑर्डर को नहीं माने, नहीं फॉलो किए, तो हमें पनिश भी कर सकती है और हमें डेट भी दे सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो मार्शल लॉ की डिक्लेरेशन होती है ना, वो आपका इप्सो फैक्टो नहीं है। इप्सो फैक्टो मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी फैक्ट, ओके, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ हमें ये फैक्टर, ये राइट्स दी गई है ताकि हम हेबियस कॉर्पस रिट्स का यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास पूरा राइट्स है। लेकिन जब मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है ना, तो मिलिट्री रूल जो है वो कुछ भी कर सकती है, उनको सुप्रीम अथॉरिटी दी गई है कि वो कुछ भी हमारे साथ कर सकती है, उन्हें पूरा हक है, ओके, और वो जो भी कर रही है ना उनके अगेंस्ट में कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता, वो फैक्ट्स के अगेंस्ट भी जाती है, ओके, वो फैक्ट्स को नहीं मानती है, इसलिए डज नॉट इप्सो फैक्टो, यानी वो फैक्ट्स को नहीं मानती है। और इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट में हमें मिलता है कि हेबियस कॉर्पस की जो रिट है ना वो भी सस्पेंड हो जाती है, ओके, यानी वो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं, जो भी रियल फैक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं, उनको जो सही लगता है उस समय उनको सिचुएशंस को रीस्टोर करना होता है, वहाँ पे उस एरिया में डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए उनको जो करने का इच्छा करता है वो करते हैं, ओके, तो यहाँ पे ये हो गया कि इप्सो फैक्टो ये नहीं है, आपको याद रखना है। जो डिक्लेरेशन है मार्शल लॉ का वो आर्टिकल 34 के अंदर है, जो कि आपका पूरी तरीके से डिफरेंट है, जो कि नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होता है आर्टिकल 352 के तहत। और जो डिफरेंस है वो हम सब समराइज कर चुके हैं, यानी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि मार्शल लॉ के और इमरजेंसी प्रोविजन के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ओके, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 33 और 34 कंप्लीट हो गया होगा। आई होप कि आपको डिफरेंसेस समझ में आई होगी, चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि आर्टिकल 33 में क्या है, आर्टिकल 34 में क्या है। आर्टिकल 33 में आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के ऊपर जो उनको जो राइट्स दी है उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट कर सकती है। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ अगर किसी भी एरिया में लग जाती है तो मिलिट्री अथॉरिटी जो सुप्रीम होती है वो हमारे यानी सिविलियन का जो भी राइट्स होता है उनको सप्रेस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ओके, और वो अपने हिसाब से जो है पनिश भी कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, कल हम लोग आर्टिकल 35 देखेंगे और कल आपका फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्या क्या एक्सेप्शन है वो भी मैं बताऊंगी, और हमारा फंडामेंटल राइट्स में टोटल आर्टिकल 12 से 35 है, तो हम लोग अब तक 34 तक देख चुके हैं, कल 35 है, उसके बाद मैं एक्सेप्शंस भी यहाँ पे डिस्कस करूंगी और इस चैप्टर को वहीं पे कंप्लीट करूंगी, ओके, तो सारी लेसन्स जितनी भी हो चुकी है सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो आप लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।